ये जन आंदोलन है जीवन परिवर्तन का। ये ग्रामीण भारत में शिक्षा की क्रांति है। ये बदलती तस्वीर है ग्रामीण भारत की। ये एकल अभियान है। नमस्ते, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं कल जो हमारा रह गया था आईफोन में स्क्रीन मिररिंग, सबसे पहले मैं टीवी में वो दिखा देती हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड में कल हमने दो बार दिखा दिया था, इसलिए आज मैं आईफोन में तैयार करके लाई हूँ। ये देखिए, एक मिनट। ये देखिए, ये मेरा न्यू आईफोन है, तो मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करूंगी तो यहाँ स्क्रीन मिररिंग आएगा। अभी मैं पुराने वाले आईफोन में आपको दिखा देती हूँ कि वहां आप नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे। ये देखिए, पुराना आईफोन है, उसमें नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो स्क्रीन मिररिंग आएगा। तो मैं नया फोन ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं नए फोन में दिखाऊंगी। स्क्रीन मिररिंग को मैं टच करूंगी और ये शुरू हो गया है। इधर मैंने अपना टीवी ऑन कर दिया, तो आप देख रहे होंगे सैमसंग 5 सीरीज इसमें आ गया है। अब मैं आपको कैमरा टीवी के पास ले जाकर दिखाती हूँ। रिमोट में, टीवी के रिमोट में सबसे पहले जो ये सैमसंग 5 सीरीज आया, इसको हम टच कर लेंगे। ये ऑन हो गया, देखिए टीवी पर। आप अपनी स्क्रीन पिंच करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि टीवी पर आपके आ गई है मेरी फोन की स्क्रीन। अब मैं अपनी फोन की स्क्रीन को इधर टच करती हूं, तो देखिए मेरा फोन एज यूजुअल हो गया। और टीवी पर आपको दूर से टीवी पे दिख रहा होगा मेरा फोन, तो एक बार मैं यूट्यूब ऑन करके आपको दिखा देती हूँ। ये यूट्यूब है। अब मैं हाई रेटेड गबरू सॉन्ग चला देती हूँ। ये देखिए, मेरे फोन पे और टीवी पर साथ साथ में चलेगा, ठीक है। तो मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ। अब स्क्रीन मिररिंग बंद करनी हो तो वापस फोन को ऐसे किया और यहाँ टच किया, यहाँ स्टॉप मिररिंग किया, देखिए टीवी ब्लैंक हो गई। टीवी नॉर्मल जब ऑन ऑफ करते हैं उस सिचुएशन में हो गई। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आईफोन में स्क्रीन मिररिंग करते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी तरह का ये पेड ऐप नहीं है, ये फोन के अंदर का फीचर है, ये कोई ऐप नहीं है। तो सबसे पहले अब मनीषा जी आप लोग को अमेजन के बारे में बताएगी और मैं ओला के बारे में बताऊंगी। तो अब मनीषा जी प्लीज आप इनको अमेजन के बारे में बताइए। नमस्ते सभी को। आप सभी ने अमेज़न ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, जैसे कि कल हमने आपको कहा था। तब देखिए मेरी फोन की स्क्रीन साइड सबको ठीक से दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ तो देखिए, अब मैं यहाँ पे जाके अमेज़न ऐप खोलती हूँ। ये मेरा अमेज़न ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये मेरा लॉगिन किया हुआ है, जिस भी नाम से देखिए ऊपर आता है नाम अपना, ठीक है। अब ये मेरा अमेज़न का खुल गया है। अब मैं देखिए, सबसे पहले मैं जो साइड में तीन डॉट्स आते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आते हैं अलग अलग फीचर्स है, तो हमको क्या करना है, होम यानी कि जो होम पेज स्टार्टिंग में खुला था वो खुल जाएगा। शॉप बाय कैटेगरी, अगर हमको पता ही है कि हमें क्या खरीदना है तो
तो अपने इस हिसाब से जा सकते हैं, मुझे फोन खरीदना है या कुछ मोबाइल कंप्यूटर है या कुछ मेंस के कपड़े खरीदने हैं, वुमेन के घर का सामान खरीदना है, इस तरह हम डायरेक्ट में यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट है टुडेज डील, आज के जो ऑफर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो जो आज के मेन मेन ऑफर्स है, किसमें कितना डिस्काउंट है, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है योर ऑर्डर्स, मैंने जो भी अमेजन से आज तक शॉपिंग की है या अभी कुछ ऑर्डर दिया है वो सब यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, मेरी पूरी आज तक की शॉपिंग है ये अमेजन की। हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ये फिल्टर आता है, फिल्टर में मुझे कौन से ऑर्डर देखने हैं, कब के देखने हैं, लास्ट 6 महीने में जो मैंने परचेज किया है या मैंने 2015 में जो परचेज किया है, ये ईयर वाइज भी अपने देख सकते हैं, जैसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए बाई अगेन, अगर जो मेरा सामान खरीदा हुआ है और मुझे उसी को वापस से खरीदना है तो यहाँ मेरे वही सामान जो मैंने पहले खरीदे हुए उनकी लिस्ट आ गई, मैं उनको फिर से परचेज कर सकती हूँ। फिर आता है योर विश लिस्ट, जो मुझे सामान अच्छे लगते हैं, मेरा मन है खरीदने का पर मैंने अभी तक नहीं खरीदे हैं, वो आ जाएगी इसमें। योर अकाउंट में मेरे सारे अकाउंट के डिटेल्स आ जाएंगे, ये सारा मेरा डिटेल्स है, मेरे एड्रेस जितने भी मैंने सेव करके रखे हैं यहाँ पे, ये हम सेव करके रख सकते हैं एड ए न्यू एड्रेस से। ये अमेजन पे है, यहाँ पे मेरे पास कितने पैसे हैं अमेजन पे में, ये सब मुझे पता चल जाएगा। ये प्राइम है, अमेजन प्राइम एक बहुत ही अच्छा फीचर है, अगर हम प्राइम को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें डिलीवरी जल्दी मिलती है और बहुत बार हमारे डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं, और प्लस अमेजन प्राइम में हमें प्राइम के वीडियोस फ्री में देखने को मिलते हैं, प्राइम म्यूजिक है तो हम अमेजन प्राइम में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज वेब सीरीज वगैरह आती रहती है, वो सब सब हम एक्सेस कर सकते हैं और हमारी डिलीवरी भी बहुत फास्ट होती है और प्राइस हमारे डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं। देखिए जैसे प्राइम है, मैनेज माई मेंबरशिप, ये मेरा प्राइम खरीदा हुआ है, इसमें मुझे मेरे डिटेल्स मिल जाते हैं कि मेरी नेक्स्ट स्टेप कब रिन्यू करना है मुझे। उसके बाद अमेजन पे हम सेल ऑन अमेजन, हम अमेजन पे बेच भी सकते हैं कुछ, पर ये सब हमें अभी जरूरी नहीं है। ये लैंग्वेज है, यहाँ से हमको अगर हिंदी में देखना है सब कुछ तो हम हिंदी में भी देख सकते हैं, बाकी भी लैंग्वेजेस है पर हम इंग्लिश में ही रखेंगे। ये देखिए सेटिंग्स है, सेटिंग्स से भी हम अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना है या मुझे लॉग आउट करना है दूसरे अकाउंट में जाना है तो वो हम यहाँ से करेंगे। फिर है कस्टमर सर्विस, अगर हमें वहां किसी से बात करनी हो, कुछ हमारे ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे जाके उसको लिख के भी बात कर सकते हैं या फिर हम उनको बोलेंगे तो वो हमें कॉल भी कर लेते हैं तुरंत। ये कॉल आस्क का अगर हम ऑप्शन दबाते हैं तो वो आता है वहां पे ऑप्शन और तुरंत वहां से फोन आ जाता है किस रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, ये मुझे यहाँ बताना होगा कौन से ऑर्डर के लिए मैं बात करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, तो तुरंत 1 सेकंड में अमेजन से आपके पास कॉल आ जाएगा। तो ये मैंने सारे इसके डिटेल्स आपको दे दिए। अब देखिए मैं एक बार होम पर चली जाती हूँ। अब कुछ आपको यहाँ पे सर्च कैसे करना है, अब समझिए मुझे कुछ खरीदना है, समझिए जूते खरीद शूज, तो अब कौन से टाइप के शूज खरीदने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मुझे मैन के शूज ही लेने तो मैं शूज मैन में जा सकती हूँ, यहाँ से मैं सर्च कर सकती हूँ। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अपने को मिलेंगे, अगर मुझे साइज पता है कि 9 नंबर के ही मुझे चाहिए तो मैं उस तरीके से ये 9 कर दूंगी। ये देखिए न्यू अराइवल है, कलर है, मुझे किस टाइप का खरीदना है, तो यहाँ से हम अपनी सर्च को फिल्टर कर सकते हैं किस टाइप का हमको चाहिए। हर में ऑप्शन आएगा अपने पास
समझिए मुझे ड्रेस खरीदनी है, ड्रेस वुमन। तो देखिए ये वुमन ड्रेसेस आ गए। अब यहाँ से भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, कौन सी साइज खरीदनी है हमें, कोई कलर स्पेसिफिक चाहिए, स्लीव्स मुझे किस टाइप की चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अपने पास। तो हम यहाँ से उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब समझिए मुझे ये हैंगिंग पॉट खरीदने हैं, मुझे गमले खरीदने हैं कुछ, तो इस तरह से मैं ये भी कर सकती हूँ। अब मुझे जो भी समझिए ये खरीदती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है, फ्री डिलीवरी मुझे वेडनेसडे को मिलेगी, एड टू विश लिस्ट में अगर करूंगी तो ये मेरी विश लिस्ट में हो जाएगी। और यहाँ पे आता है 10 days रिटर्नेबल, मतलब कि मैं 10 दिन में इसको वापस कर सकती हूँ। और कहीं कहीं पे आता है 10 days रिप्लेसमेंट, तो उसमें क्या होगा, वो रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा, आपको उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आप अगर रिटर्नेबल लिखा हुआ है वहां पे तब आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ आइटम रिप्लेस हो जाएगी अगर कुछ डिफेक्टिव आई तो, पर वो पैसे रिटर्न नहीं होंगे आपको। अब मैं समझिए इसको एड टू कार्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे वो खरीदना है। तो देखिए जैसे ही मैंने एड टू कार्ट किया, यहाँ पे एक आपको ट्रॉली दिख रही है मेरी शॉपिंग की, तो अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या एड टू कार्ट करके लिखे हुए हैं वो सारे मेरे आ गए कि ये सब मुझे खरीदने हैं तो मैं इनका ऑर्डर दे सकती हूँ। पर चलिए अभी मैं सिर्फ एक चीज आपको खरीद के बताती हूँ, समझिए मुझे अभी यही लेना है सिर्फ। ये देखिए ये मैंने इसको क्लिक किया, इसमें दिखा रहा है डिलीवरी वे मुझे 24 मार्च को मिल जाएगी, ये भी 10 days रिटर्नेबल है। अब मुझे इसको खरीदना है मेरे कार्ट में क्योंकि और भी सारे आइटम्स थे, तो मैं इसको कर देती हूँ बाय नाउ, मैं अभी इसको खरीद लेती हूँ। ये मैंने बाय नाउ किया, तो अब ये पूछ रहा है मुझे कि मेरे अमेजन पे में इतने रुपए हैं तो मैं वहां से यूज करूँ पैसे, या फिर ये मेरे क्रेडिट कार्ड सेव्ड है 2-3 वो यूज करना है, या नेट बैंकिंग यूज करना है, या कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी कर देती हूँ। अच्छा अभी ये बंद है क्योंकि कोविड की वजह से सस्पेंडेड ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैं ये अमेजन पे बैलेंस यूज कर लेती हूँ। ठीक है तो मैंने वो सिलेक्ट किया, अभी मेरा डिलीवरी एड्रेस बता रहा है ये वाला, अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगी और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिलीवरी एड्रेस आ गए हैं, पर मुझे यही वाला रखना है तो मैं इसी को क्लिक करूंगी और स्वाइप टू प्लेस योर ऑर्डर, अब मैं इसको स्वाइप कर देती हूँ। तो देखिए ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, दिखा रहा है 24 मार्च को मुझे ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अमेजन पे शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये बाकी भी बता रहे हैं कि मेरे बास्केट में अभी भी 5 आइटम पड़ी है, आपको और आगे शॉपिंग करनी है या क्या करना है, तो उस तरह से मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, या और कुछ इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। क्लियर है, क्लियर है। तो फिर चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ओला की तरफ चलते हैं जो कि रजनी बताएगी। एक चेंज कर देती हूँ, सिर्फ एक सेकंड, आधा मिनट का टाइम चाहिए। Thank you.
मेरे ख्याल से सभी ने ओला डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको ओला डाउनलोड करके रखना है ऐप स्टोर से। तो ओला मैंने ओपन किया। अब यहाँ ये फर्स्ट होम स्क्रीन आती है, जहाँ चूंकि मैं कई बार लेती हूँ ओला की राइड, तो यहाँ पे यूजुअल पिकअप दिखा रहा है, तो वो कोई बात नहीं है, मैं एक बार उसको छोड़ती हूँ। सर्च डेस्टिनेशन, और चूंकि हमारा फोन का वाईफाई या नेट ऑन है, तो जैसे ही हम ओला ऑन करते हैं, ओला हमारा लोकेशन देख ही लेता है, क्योंकि ओला ऐप यूज करने के लिए वो लोकेशन लेता ही है, और लोकेशन हमें ऑन करना ही पड़ेगा। तो हमसे जब ओला आप डाउनलोड करेंगे, पूछेगा कि अलाउ फॉर योर लोकेशन या टर्न ऑन योर लोकेशन, तो प्लीज आप कर दीजिएगा, क्योंकि वो अगर ऑन नहीं रहेगा तो ओला आपको नहीं ढूंढ पाएगा। ओला मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि ओला ऐसी सर्विस है जो मोस्टली इंडिया के सभी शहरों में है, कई छोटे शहरों में भी है, और उसमें मोटरसाइकिल, कैब और रेंटल की भी सुविधा है। इसीलिए हमने उबेर नहीं सेलेक्ट किया, कूप नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड सिटीज में है और ओला इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैंने लिया। तो देखिए, जैसे ही मैंने अपना ओला टर्न ऑन किया, तो इसने डेस्टिनेशन मेरा ले लिया अकॉर्डिंग टू मेरे फोन का लोकेशन देख करके। पर मैं चाहूँ, जैसे मैं अपने घर में बैठी हूँ और मेरी मम्मी कहीं सिटी लाइट में रहती है, सूरत का ही एक दूसरा एड्रेस है, तो वहां रहती है, मैं वहां से सोचती हूँ कि उनके लिए बुक करूं, तो मैं यहाँ का भी एड्रेस चेंज कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, अग्रसेन भवन, ये देखिए आ गया सिटी लाइट, ये यहाँ हो गया। अब कह रहे एंटर डेस्टिनेशन, मैं ये आपको दिखाई कि पहला वाला डेस्टिनेशन मेरे फोन के लोकेशन से उसने अपने आप ऊपर लिख दिया। मैंने सिर्फ ये डेस्टिनेशन इसलिए चेंज किया ताकि आप अगर ऑफिस में बैठे हैं, या आप कहीं सहेली के यहाँ बैठे हैं और घर में आपकी सासू माँ ने कहा कि बेटा मेरे लिए कार बुक कर दो या ऑटो बुक कर दो, तो दौड़ के आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप सहेली के घर बैठे बैठे भी कार या ऑटो उनके लिए बुक कर सकते हैं। तो एंटर डेस्टिनेशन में सपोज करिए मैंने ड्रीम हेरिटेज वेसू का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। इतना देते ही, जैसे ही ओला को हमने बताया कि भाई आप मुझे यहां से पिक करो और यहां उतार देना, वैसे ही ओला अपने सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आपको सारी जानकारी देता है। तो स्क्रीन पे आप देखते हैं कौन कौन सी जानकारी आई। सबसे पहले वो कह रहा है कार बुक करना है छोटी, जैसे इसमें क्लियर लिखा है मिनी या प्राइम सीडान, तो उसके लगेंगे 92 रुपीज टू 103 रुपीज। ऑटो बुक करना है, अच्छा इसमें ये भी बता दिया कि कार कहाँ खड़ी है, अगर आप कार सेलेक्ट करते हो तो 2 मिनट लगेंगे। आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो बिल्कुल मेरे घर के नजदीक ही खड़ा है, मेरे घर के नहीं, मैं अपनी मम्मी के लिए ऑटो बुक कर रही हूँ, तो वहां के लिए ये 1 ही मिनट पे खड़ा है उनका। प्राइम सिडान बड़ी वाली कार बुक करनी है तो 103 रुपए लगेंगे। और नीचे क्या क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप कैश में लेंगे या ऑलरेडी आपके पास कूपन्स हैं, जो लोग ज्यादा ही ओला यूज करते हैं उनको कूपन्स आते रहते हैं, तो वो उनके एसएमएस पे या मेल जो भी उन्होंने अपना अपडेट कर रखा है उनके लिए वहां आ जाते हैं। अब ये पूछ रहा है बुक एनी, तो चूंकि मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैं एक बार आपको दिखाने के लिए ऑटो, मैंने आपको ये यहां तक बता दिया कि ये कैसे आएगा। तो अब मैं यहां से निकलती हूं एक बार के लिए और ये मैं नॉर्मल मेरे में आ गई। अब नॉर्मल होम स्क्रीन पे आप एक चीज देखेंगे कि कई बार आप
अपने घर पे है, सॉरी आपके घर का बंदा कोई भी घर पे है और आपको उसके लिए ऑटो बुक करना है, और वहां आपको बुक करना है किसी और के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो बुकिंग की कंफर्मेशन आए, ओटीपी आए, वो दूसरों के फोन पे आए। तो यहाँ टॉप पे माइसेल्फ है, राइट टॉप पे, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे नीचे आ जाएगा माइसेल्फ, मेरे फोन पर आए, या चूज अनदर कॉन्टैक्ट। तो सपोज करिए मैंने मनीषा जी का कॉन्टैक्ट चूज किया, या मैं मम्मी का कर रही थी तो मैं मम्मी का ही करती हूँ, मॉम। तो ये वहां ले लेगा और यहाँ पे मम्मी का देखिए आ गया नंबर। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू करती हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कंफर्म लोकेशन, और ये क्योंकि मैं ये सब करूंगी ना तो वो ऑटो बुक हो जाएगा और वो फोन करता रहेगा, तो वो मैं नहीं बता रही अभी आपको। पर मैंने आपको ये बता दिया कि बस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमें कंफर्म बुकिंग करनी है, और जैसे ही हम कंफर्म बुक करते हैं तो तुरंत हमारे स्क्रीन पे आ जाता है ड्राइवर का, गाड़ी का नंबर, फोन नंबर के लिए कॉल का, फोन का साइन आ जाता है, और वो आपको बता देता है कि वो आ रहा है। तो जो वो आ रहा होता है उसी समय ऑब्वियसली ड्राइवर के भी फोन में वहां पता चलता है कि आपको कॉल होता है। तो ड्राइवर की गाड़ी जब चल के आपके पास आती है तो वो स्क्रीन पर आते हुए भी दिखाता है। तो आपको अगर ड्राइवर को उसी समय फोन करके पूछना है तो जस्ट आपको उस कॉल पे, फोन के साइन पे टच करना है और ड्राइवर को डायरेक्ट कॉल लग जाएगा, और आप उसको बोल सकते हैं कि आपको बिल्डिंग के गेट के अंदर आना है, या बाहर वेट कर रहे हैं, या कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने ओला में सब कुछ बता दिया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। चैट बॉक्स ओपन हो गया है, जिनके कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स पे लिख दें। उर्मिला जी एंड अंजलि जी प्लीज टेक ओवर द चैट बॉक्स। अभी आया नहीं है एक भी क्वेश्चन, जैसे ही आते हैं हम पूछते हैं। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू, ऐसे ही आ रहा है। हाँ, वही मैंने कहा, सब सब 5 days में डिजिटल और स्मार्ट बन गए हैं। ओला है पूनम जी राठी का कि ओला में कूपन कैसे यूज करते हैं? जब हम ओला की राइड अगेन एंड अगेन लेते हैं तो हम उसके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, तो वो खुद ही देता है, वो हमें ऐसे नहीं मिलता। एक सवाल है, कभी कभार लिखा होता है कि टेक अ पास, फिर हम क्या करें? टेक अ पास, एक्सक्यूज मी, सवाल को दोहराएं। प्रश्न भूवी जी आपने पूछा पर प्रश्न आपका क्लियर नहीं है, एक बार अपना प्रश्न दोबारा डालिए जरा। अच्छा, एक स्वाति जी गोयल का प्रश्न है, हाउ टू सेट मैप फॉर लोकेशन? हमें कुछ जरूरत नहीं है लोकेशन के मैप के लिए, सिर्फ जब हम ऑन करेंगे ना, डाउनलोड करेंगे जब ओला ऐप, तो वो हमसे पूछेगा कि आप टर्न ऑन लोकेशन कीजिए व्हाइल यूजिंग द ऐप ऑलवेज और नो। तो आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो ओला आपको नहीं पहचान पाएगा कि आपने कहां से बुक की है टैक्सी या ऑटो। ओके। अच्छा, एक प्रश्न है पूनम जी का कि ओला के कूपन के मैसेज मेरे को आते हैं पर उसको यूज करना नहीं आता, तो मुझे वह सीखना है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जब मैं ओला ओपन करती हूँ और यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे कूपन आता है, जैसे ही आप सर्च एंड पिक डेस्टिनेशन करते हैं ना, तो देखिए यहाँ आया कैश अप्लाई कूपन, देखिए आया। तो ये अप्लाई कूपन पे जैसे ही आप टच करेंगे ना, देखिए यहाँ सब कुछ आ गया। तो आपके पास जो भी एसएमएस में आया हुआ कोड या कुछ भी होगा
वो आप डाल दीजिए और आप अप्लाई कर लीजिए और नीचे कंफर्म, ये देखिए अप्लाई कूपन है। आप ओला का पेमेंट कैश कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी पेमेंट कर सकते हैं, जियो मनी कर सकते हैं, कूपन अप्लाई कर सकते हैं। उनका सवाल का जवाब ये है कि उनको ये अप्लाई कूपन को टच करना है। अब एंटर कूपन कोड, तो एंटर कूपन कोड तो उनके फोन पे जो आया होगा ना वही लिखना है जी। हाँ, तो वो लिखते ही फिर वो अप्लाई हो जाएगा, वो लिख करके अप्लाई कूपन कोड। बहुत सही। अच्छा, वो जो प्रश्न रेणु जी का सवाल है, हाउ टू शेयर कैब नंबर एंड डायरेक्शन विद समवन एल्स। हाँ, तो देखिए एक सेकेंड, मेरा ये नॉर्मल, नॉर्मल ये मेरा स्क्रीन है जैसे ही मैंने ओला खोला, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ओला से जो मैसेज आए वो मुझे नहीं किसी और को मिले, तो यहाँ टॉप पर आप देख रहे हैं, राइट साइड टॉप पर आया कि किसको मिलना चाहिए, तो मैंने माइसेल्फ और मॉम किया। आप माइसेल्फ है तो वहां तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, मॉम की जगह आप चेंज कर दीजिए। और ये ध्यान रखिए, जब आप बुक कर रहे हैं तो किसको टच कर रहे हैं, जो यहाँ आप जिसको टच कर रहे हैं, देखिए ये हाईलाइट हो रहा है अगर मैं मॉम को कर रही हूँ और इनको, फिर यहाँ नीचे आ रहा है चूज अनदर कॉन्टेक्ट। अब मुझे मॉम को भी नहीं करना, माइसेल्फ को भी नहीं करना, तो मैं और ऐड कर देती हूँ, लीजिए मैं मनीषा जी को ऐड कर देती हूँ। जनरली हम इसमें फीड करके रखते हैं जिन तीन चार लोगों को मुझे हमेशा कर, देखिए ये नंबर आया ना, तो प्लीज आप नंबर को टच करिएगा तब वो ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए मनीषा जी आ गई, माइसेल्फ आ गया, मॉम आ गई, फिर वो कह रहा है चूज अनदर कॉन्टेक्ट। इस तरह आप नंबर देते जा सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अगर मुझे मनीषा जी को देना है तो मैं उनको हाईलाइट कर दी, लेकिन मुझे मॉम को देना है तो मैं मॉम को कर दी, माइसेल्फ को करना है तो माइसेल्फ को कर दी, और फिर कंटिन्यू करके अपना काम आगे बढ़ाऊंगी। प्लीज आप दूसरा सवाल लीजिए जी। अब एक प्रश्न वृंदा जी जोशी का है कि ओला कैब पीपल जो चार्जेस हमको दिखाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब हम विजिट करते हैं उसके साथ जाते हैं तो वो लोग हमसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, और यदि हम पेमेंट नहीं करते हैं उस समय एक्स्ट्रा वाला, तो वो हमारे नेक्स्ट बिल में जोड़ देते हैं, और इस तरह से वहां चीटिंग होती है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? अगर ये उनके साथ हुआ है तो आप कंप्लेन ओला कंप्लेन में जाके कर सकते हैं, पर मोस्टली आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी राइड खत्म होती है तो आपके और आपके ड्राइवर दोनों के फोन पे सेम पैसे आते हैं। अब आप बोलेंगे कि पैसे चेंज कैसे हो गए, उस समय जो अमाउंट दिखाया और आप गए तब, तो कई बार क्या होता है कि अचानक से पता चलता है कि हम जा रहे थे, उसके एक मिनट पहले ही एक्सीडेंट हो गया और वहां पे किसी वजह से रोड ब्लॉक हो गई, या ड्राइवर जो रोड से ले जाना चाहिए, जो उसके उसके पास जो रोड ओला ने उसको बता रखी है कि भाई तुम यहाँ से यहाँ जाना, उसके बजाय मैं ही उसको कहूँ भैया आप इस गली से नहीं, इस रोड से नहीं, मुझे इधर से नहीं उधर से लेके जाइए, तो उससे उसका रास्ता लंबा या छोटा भी होता है। तो उस वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी कि पैसे दोनों में सेम आने चाहिए। ओके, दो तीन लोगों का सवाल है मनीषा जी कि अमेज़न पर रिटर्न रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। रिपीट पूछिए। अमेज़न पर जो हमें रिटर्न करना है उसकी रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। ओके बिल्कुल बताते हैं। ये देखिए ये मेरा अमेजन ऑन है, ये मैं तीन डॉट्स पे गई, योर ऑर्डर्स में हम जाएंगे। अभी देखिए जैसे मैंने अभी ये ऑर्डर दिया ही था, अभी जब मैं आपको बता रही थी, तो ये जो मेरा ऑर्डर ओपन है ना, मैं इसी पे जाऊंगी और ये नीचे आएगा यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल ऑर्डर, क्योंकि अभी तक ये मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, तुरंत अभी दिया ही था ना मैंने, नहीं तो फिर ये आ जाएगा। अगर ये मेरा डिलीवरी हो जाता है, देखिए जैसे कि मैं पुराना दिखाती हूँ, ये मेरे बाकी को सबको बहुत टाइम हो गए हैं, आई वी
अभी जैसे यही था समझिए, अगर ये देखिए रिटर्न और रिप्लेस आइटम आ जाता है, मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये पूछ रहा है कि अभी एलिजिबल नहीं है रिटर्न के लिए क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे खरीदे हुए इसको, नहीं पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता मेरे पास कि आप इसको रिटर्न करिए और फिर वो खुद ही अमेजन का बंदा आके हमसे ये रिटर्न ले जाता है एक या दो दिन में। यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ आ जाती है, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो जो पार्सल है उनको एज इट इज वापस देना है। और SMS आ जाता है कि इतने बजे वो बंदा आके आपसे पार्सल ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक जन का प्रश्न है, Amazon ऐप में शुरू में अकाउंट खोलने या लॉगिन करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो फिर वो आपको डिलीवरी कहाँ करेगा, अगर आप उसमें अपना एड्रेस फोन नंबर कुछ देंगे नहीं तो आप ऐसे सर्फ तो कर सकते हैं आप अमेजन को, पर आप उससे कुछ खरीद नहीं पाएंगे। आप अगर खरीदेंगे तो आपको मंगाना भी तो पड़ेगा ना वो चीज, तो उसके लिए वो आपसे लॉगिन तो मांगेगा ही जी। बिना लॉगिन के आप सिर्फ ऐप को सर्फ कर सकते हैं, आप उसमें सामान देख सकते हैं बिना लॉगिन किए हुए भी, ठीक है जी। एक रेणु जी राका का अगला सवाल है, पुष्पा जी अंजलि जी आप लीजिए अगला प्रश्न। पुष्पा जी मुद्रा का सवाल है कि कूपन ज्यादा सस्ते मिलते हैं क्या? ओला के लिए बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सस्ते तो ऐसे पड़ते हैं ना कि हम लॉयल्टी प्रोग्राम में रहते हैं कि हमने कई बार यूज किया तो वो कूपन दे रहा है, या हम पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो बैंक दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो सस्ता ही पड़ेगा ना क्योंकि उतने रुपए माइनस हो जाते हैं। ओके उर्मिला जी। जी भोवी जी ने एक प्रश्न और दोबारा पूछा है कि ओला में एक डेस्टिनेशन पहुंच गए फिर याद आया कि हमको दूसरी जगह जाना है तो डेस्टिनेशन कैसे चेंज करें? हाँ तो कोई बात नहीं, उसी समय उस भाई को हम बोलेंगे क्योंकि हम वहां पहुंच गए, आप मेरी बात समझिएगा, जो आपने पिकअप लिया था और अब की सिचुएशन में आपका पिकअप चेंज हो गया, समझ रहे हैं आप पॉइंट को? जी। तो आप अगेन वहां पिकअप, चूंकि अभी तो आपका फोन वैसे चल रहा है, आप अगेन उसको कर दीजिए, पिकअप डेस्टिनेशन चेंज हुआ, चेंज डेस्टिनेशन आ जाएगा। मतलब आप जैसे ये डेस्टिनेशन हुआ ना, तो जब आप इसको करेंगे ना तो उस जगह पे आप जा करके उस नई जगह पे जब आप रहेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी जगह वो शो करेगा कि आप कहाँ पहुंच गए, और यहाँ पे आप चेंज डेस्टिनेशन कर दीजिए तो आपका सब कुछ फिर से रिन्यू हो जाता है जी, और वो नई जगह आपका फिर से वो पिकअप हो जाता है और वो दोनों अमाउंट ऐड हो जाता है जी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु जी राका का, सपोज बच्चे अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो हाउ कैन आई बी अवेयर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कैब? रजनी जी हाँ, आवाज आपकी चली गई, आप फिर से पूछिए। यदि बच्चे अकेले ट्रेवल कर रहे हैं और उन्हें उसका डायरेक्ट भाई जहाँ कहाँ टैक्सी उनकी जा रही है उसको डायरेक्शन को देखना है तो वो क्या कैसे देख सकती हैं? जब हमारी राइड ऑन होती है ना तब वहाँ एक नीचे ऑप्शन आता है शेयर राइड, तो आप वो बच्चों को बोल दीजिए कि आप कभी भी बेटा ट्रेवल कर रहे हो तो आप मुझसे अपनी राइड को शेयर कर दो, तो अगर वो जैसे शेयर करेगा ना बच्चा तो आपके फोन पर आपको पूरी डिटेल्स दिखने लग जाएगी कि उसकी टैक्सी किधर किधर से जा रही। और दूसरा एक ऑप्शन और है, ये तो हो गया बच्चे ने किया, लेकिन मेरा बच्चा इतना केपेबल नहीं है, मैंने ही उसकी राइड बुक की है और लेकिन उसके फोन पे जैसे मैंने नहीं बताया बुक मैं करूंगी लेकिन दिखेगा उसके फोन पे जो मैसेज आएंगे, एक्सक्यूज मी जी जी आगे। हाँ हाँ, तो मैं फोन पे अपने फोन पे से अगर उसकी राइड बुक करूं और वो बच्चा जा रहा है तो मेरे हाथ में फोन है तो वहां भी वो दिखता रहेगा कि वो टैक्सी कहाँ कहाँ ट्रेवल हो। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि ओला में मेरा ऑन है, अभी देखिए यहाँ पे कोई भी ऑटो टैक्सी कुछ भी मूव होती है तो यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है, तो अगर मैं मेरे फोन से बुक करूंगी और बच्चा अपने फोन से बुक नहीं किया है तो भी मैं इजीली देख सकती हूँ कि उसकी
टैक्सी कहाँ कहाँ जा रही है या ऑटो कहाँ जा रहा है या मोटरसाइकिल कहाँ जा रहा है जी। और अगर वो बच्चे ने बुक किया है तो उसको वो शेयर कर देगा जी। ना तो सेफ यही रहता है कि माँ बाप बुक करें, वो ज्यादा सेफ रहता है। एकदम सही है, एकदम सही है। पूनम जी का सवाल है, कई बार ओला ऑटोमेटिक राइड कैंसिल हो जाती है पर नेक्स्ट राइड में वो चार्जेस ऐड हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये सवाल का जवाब हाँ, बहुत जरूरी सवाल है। ऑटोमेटिक कैंसिल जब होती है तो वो पूछता जरूर है, हम ध्यान ना दे कई बार हम स्क्रीन हटा देते हैं तो वो उनको लूपहोल मिल जाता है, लेकिन वो पूछता जरूर है कि आपने राइड कैंसिल क्यों की। ऑटोमेटिक जब कैंसिल वो खुद अपनी तरफ से करता है तो उसके दो तीन वो रहते हैं रीजन कि भाई अवेलेबल नहीं है गाड़ी, तब तो वो कुछ नहीं करता। पर गलती क्या होती है मैं बताऊं, वो अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करता, हम करते हैं पर हम उस मैसेज को ध्यान नहीं देते। वो पूछता है रीजन फॉर कैंसिलेशन, तब हमें जो रीजन फॉर कैंसिलेशन है ना वो सोच समझ के हमें दबाना चाहिए। तो मोस्टली अगर हम ब्लेम ड्राइवर पे डाल देते हैं तो फिर हमारी दूसरी राइड पे पैसे ऐड नहीं होते, लेकिन अगर किसी वजह से भी ब्लेम हमारी तरफ से होता है, जैसे कि मैंने बुक कैंसिल की, जनरली हम ये कर दें कि ड्राइवर ने फोन ही नहीं उठाया, वेटेड फॉर टू लॉन्ग, तब तो वो ड्राइवर पे बात जाती है, अदरवाइज वो बात हमारे पे आती है तब हमारे पैसे ऐड हो जाते। तो थोड़ा सा हमें एप्स यूज करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न पुष्पा जी का है कि आई हैव फ्यू स्पीचेस इन माय मोबाइल, कैन आई हैव राइट अप ऑफ द स्पीचेस इन मोबाइल? मुझे समझ में नहीं आया स्पीचेस क्या। उनका मुझे भी प्रश्न थोड़ा सा समझ में नहीं आया। उनके कुछ आई थिंक रिकॉर्डेड स्पीच होंगी और वो उसका राइटअप चाहतेंगे, तो वो तो पॉसिबिलिटी कैसे होगी रजनी जी? वो तो वॉइस टाइपिंग में, ओला ओला में तो ये नहीं है, हाँ, वो ओला तो से वॉइस कनेक्टेड नहीं है टाइपिंग। वो चीज, उनका अदर देन डिस्कशन है, हाँ, फिर से पूछिए। उनका ओला से संबंधित प्रश्न नहीं है। आई हैव फ्यू रिकॉर्डेड स्पीच इन मोबाइल, कैन वी सी द प्रिंट आउट? वॉइस रिकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं ना, नहीं, आप उन्होंने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए दूसरे फोन में और इस फोन को आप सुना दीजिए, वो प्रिंट आउट चाहते हैं, तो प्रिंट आउट कैसे ली जा सकेगी? प्रिंटआउट। तो फिर आपको अपने प्रिंटआउट से फोन को कनेक्ट करना होगा, अगर उनके पास एडवांस प्रिंटआउट है तब तो आपका डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएगा, जैसे कि आजकल एडवांस है, और पुराने जमाने वाले हैं तो फिर आपको मेल पे भेज करके फिर होगा। जी व्हाट्सएप को मेल पे भेज दिया और उन्होंने जैसे पुराने स्टाइल से आपके मेल से जुड़ा हुआ है आपका प्रिंटर, तो फिर वहां से भेज के आप प्रिंटर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, और एडवांस है तो आपके फोन से डायरेक्ट एक ही वाईफाई में अगर प्रिंटर और फोन है तो वहां से निकल जाएगा। जी सभी को मेरा एकल प्रणाम। कहते हैं काश ना समझी में ही बीत जाए यह जिंदगी, काश ना समझी में ही बीत जाए यह जिंदगी, समझदारी ने तो बहुत कुछ छीन लिया। और मुझे लगता है तकनीकी ना समझी में तो बहुत गुजार ली यह जिंदगी, डिजिटली स्मार्ट होकर कुछ बिखरे पल रिश्ते स्वयं को सवार लो। चलिए चलते हैं गूगल पे की ओर, जो हमारा एक सेशन का टॉपिक था जो रह गया है, और किसी ने रिमाइंडर भी दिया था लेकिन मेरे डायरी में भी आज का लिखा हुआ है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एज यूजुअल अगर कहीं आवाज का कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे अपडेट कीजिए। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूँ उसके, कि आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से गूगल पे ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद जो स्क्रीन आएगी उस पर दो विकल्प रहेंगे, मेजोरिटी बहने यूज भी कर रही होगी इसे, जिन्होंने यूज नहीं किया है जो सिर्फ आज देखना चाहती है ये इंस्ट्रक्शंस उनके लिए है, कि आपको पहले ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपके दोनों सिम के नंबर्स लिखे हुए रहेंगे, ये सिम में से आपका अकाउंट में बैंक अकाउंट में कौन सा नंबर लिंक है वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद
आपको मेल आईडी चूज करना है। कल भी मैंने बताया था कि जीमेल आईडी अगर है तो ही आपका गूगल पे चलेगा, गूगल है जीमेल है तो ही चलेगा, ओके। बाकी चलने के चांसेस बहुत रेयर है, कम है। तो अगर आपके पास 4-5 मेल आईडीज है तो ये जो डाउन फॉलिंग एरो है, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको समझने में आसानी रहे, एक ही मिनट। हाँ भाग्यश्री जी आप अनम्यूट हो जाइए। सॉरी, तो यहाँ पे एक डाउनफॉलिंग एरो है, वहां से आप क्लिक करेंगे तो मेल आईडीज आपके दिखेंगे, उसमें से जो आपका बैंक से लिंक है वो वाला मेल आईडी आपको डालना है। अब अगर आप गौर करोगे, जिसको मैंने नीचे बॉक्स डाला है वहां पे ब्लू कुछ आपको ब्लू वर्ड्स में दिख रहे, बाकी ब्लैक राइटिंग है। तो जो ब्लू वर्ड है वो एम्बेडेड वर्ड है, मतलब ऐसी फाइल है जो शो कर रही है टर्म्स ऑफ सर्विस, लेकिन अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर टर्म्स ऑफ सर्विसेज दिख के आएंगे। ये एम्बेडेड है, सिर्फ एक प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव एक सामने रखा हुआ है। जैसे एकल है तो एकल के अंदर बहुत से जन जुड़े हैं, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करता है, जनरली आपके अध्यक्ष सचिव। बस उसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी, अंदर पूरी प्राइवेसी पॉलिसी है, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड ये है, आपको पढ़ना है तो वहां पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद की स्क्रीन आती है, जैसे मेरा वो लिंक हो गया अकाउंट, सॉरी अकाउंट की स्क्रीन आएगी, वहां से मुझे कौन से बैंक में अकाउंट है वो मुझे यहाँ पे लेना है, करंट है सेविंग्स है वो आ जाएगा। अब जो पर्पल कलर में मैंने हाइड किया है वहां पे मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, जो 4 डिजिट आखिरी के 4 डिजिट्स वहां पे डिस्प्ले होंगे, और नीचे सेविंग्स अकाउंट के नीचे फिर से मैंने हाइड किया है पिस्ता कलर से, वहां पे आपका यूपीआई आईडी आएगा। एक जो मेरा एक रिसर्च डेवलपमेंट मेरा जो आरएनडी है वो ये कहता है कि जो आपका जीमेल आईडी है उसके पहले का, मतलब xyz@gmail.com, तो जो आपका यूपीआई आईडी बनेगा वो रहेगा xyz@ok वाला, जो हम बोलते हैं ना ओके चलेगा, वो ओके आईसीआईसीआई, मतलब अगर आपका एसबीआई में है तो ओके एसबीआई। ये एक मेरा एक जनरल ये है थॉट प्रोसेस है कि शायद ऐसे यूपीआई आईडीज रहते हैं इनके जीमेल के, सॉरी गूगल पे के। ठीक है, अब हम ऐप पे आते हैं गूगल पे के। ये जीपे के ऐप में मैं आ गई। उसके पहले ये सब आपके प्रोसेस होने के बाद आपको एक पिन सेट करनी है जो 4 डिजिट की रहेगी। ठीक है, 4 डिजिट की पिन में आपको फिर से वही याद रखना है, 1111 1234, मतलब सीक्वेंस या फिर रिपीटेड अल्फाबेट्स सॉरी नंबर्स आपको नहीं सेट करने हैं, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सेट करनी है, ना ही एनिवर्सरी डेट सेट करनी है, ना ही उसका कॉम्बिनेशन सेट करना है। और ये यूपीआई पिन जो है ये आपको सेव भी नहीं करना है, ओके, क्योंकि जो हैकर्स है उनको तो ध्यान में आ जाएगा। आप सोचोगे फोन बुक में रखा है, किसको समझ में आता है भाई, फोन बुक में फोन नंबर जो है वो 10 डिजिट के होते हैं, ना कि 4 डिजिट के होते हैं। ठीक है, तो आप होशियार है लेकिन वो 100 टाइम्स होशियार रहते जो हैकर्स रहते हैं वो, ओके। तो ऐसे ये चीजें हमको कहीं पे भी सेव नहीं करनी है, हमें सिर्फ याद रखना है, कोरिलेट करके रखना है कि हमने क्या किया होगा। अभी ये पीपल्स को अगर आपको किसी को ट्रांसफर करना है, फंड्स पे करना है, जैसे इसे मुझे फंड्स पे करना है तो मैं क्या करूंगी, वहां पे क्लिक करूंगी वो कॉन्टैक्ट के ऊपर, ओके, और मैं उसे अदर उसके पास जीपे नहीं है तो रिक्वेस्ट, अदरवाइज मैं यहां से उसको पे कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको 1000 रुपीज करने के लिए डाला, ओके, ये मैं आगे गई, ओके किया। अब ओके करने के बाद ये देखिए, ये आपको अगर मेरा यूपीआई आईडी यहाँ पे दिखेगा, ओके आईसीआईसीआई, एंड देन मैंने इसको किया 1000 रुपीज मेरे पे करना। ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है।
यस हाँ ठीक है दीदी। ये मैंने उर्मिला दीदी से बात करते हुए कहा था कि जीपे में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यूज की है, तो मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगी तो ये टोटली ब्लैक हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें ना मैं आपको फोन पे में दिखाती हूँ, फोन पे वालों ने अभी तक वैसा कुछ नहीं किया है, सिमिलर चीजें है सब। एक ही मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, मैं फोन पे दिखाऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे गूगल पे में वो ब्लैक कर रहा है स्क्रीन। अगर मतलब हम एक्सप्लेन करने जाऊंगी मुझे तो पूरा दिखेगा, लेकिन आपको कुछ भी स्क्रीन नहीं दिखेगी इसमें से। तो हम फोन पे देखते हैं, सिमिलर है, काफी सिमिलर है, ये आपको दिखेगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मुझे जब भी कॉन्टैक्ट्स को पेमेंट करना है, कॉन्टैक्ट्स उनमें से जिनके पास गूगल पे है, सॉरी फोन पे है, आपको गूगल पे के वो वहीं पे दिख जाएंगे नंबर, पीपल्स जिनके पास जीपे है, और यहां से मुझे उनका नाम ढूंढना है और सपोज मुझे इससे पेमेंट करना है, ओके तो मैं उसका नाम ये ले लिया मैंने। अब मुझे अगर उसको पेमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 रुपी पे करना है, मैंने किया सेंड। अब उसके बाद आप सोचोगे कि मैं इतना ओपनली कैसे कर रही हूं, तो इसके बाद मेरा यूपीआई पिन आएगा जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप करूंगी वो आपको दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी ब्रिच हो जाती है, राइट। तो इस तरह से ये पेमेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स को। देन अगर आपको कोई रिचार्ज मारना है, आपका डिश का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहीं पे आपको क्लिक करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है, लेकिन मेरे पास वो रजिस्टर्ड सपोज नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, जो लाइट का बिल है उसको मैं ओपन करूंगी, और यहाँ पे आपने अगर ऊपर गौर किया होगा तो एक QR कोड का साइन है ऊपर मुंबई के बाजू में लिखा किया हुआ, तो मैं उसको प्रेस करूंगी। एक मिनट में आपको फिर से दिखा दू वो साइन कहाँ पे है, अगर ध्यान में नहीं आया है तो। एक ही मिनट, हम पेन ले लेते हैं। एक ही मिनट सर, थोड़ा सा बेयर कीजिए मेरे साथ। हाँ ये देखिए, ये QR कोड है, ये QR कोड को मैं प्रेस करूंगी, ठीक है। नीचे मैंने लाइट भी लिया है मेरे पास, कहाँ है QR कोड, ये देखिए उसने QR कोड स्कैन कर लिया है और मुझे अमाउंट बता दिया है उसने। अब मैं सेंड, यहाँ से सेंड करूंगी, अगेन वो मुझे UPI ID सॉरी पिन पूछेगा, मैं UPI पिन डालूंगी, उसके बाद वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो जैसे हम कोई वेजिटेबल वेंडर, दूध वाला, ये जो भी शॉप्स में हम जाते हैं, मैकडी जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, तो वहां पे ये UPI ID लिखे हुए रहते हैं, ये QR कोड किए हुए रहते हैं होटल्स में, तो वहां से आप डायरेक्टली वो जो QR कोड का साइन है वहां से आप ये ओपन कीजिए, और उसका जहां पे भी है उसके सामने आपका फोन का कैमरा सेट कर लीजिए, वो स्कैन करके आपको अमाउंट बता देगा। एक बार सामने सामने रिकन्फर्म कर लीजिए एंड आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको सेट करना है कि भाई मंथली मेरा पेमेंट है, तो सेट करना भी बहुत सिंपल है कि कहाँ का बिल है, जैसे महावितरण का है, तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर लिखना है जो आई थिंक 12 डिजिट का होता है, देन सब डिविजन कोड जो 4 डिजिट का होता है, और ये दोनों अगर आपके प्रॉपर है तो ये जो कंफर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट, ओके 1 2 3 4, ये देखिए ये पर्पल कलर का हो गया है। अब मैं अगर इसको कंफर्म करूं तो ये मुझे बोलेगा कि ये प्रॉपर देयर इज नो पेंडिंग बिल, ओके, और रॉन्ग डिटेल्स मैंने डाले हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूं ना। तो इस तरह से आप कंफर्म करके आपका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपको रजिस्टर करना है तो। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, मैं खुद ये ऐप 3 साल से यूज कर रही हूँ, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिस्ट्री, पास्ट ट्रांजेक्शन्स अगर आपको देखने हैं तो जिनसे मिला है, जिनको पे किया है, वो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे आ जाती है, ओके। जो भी पेमेंट्स करने हैं आप यहाँ से वो पेमेंट्स कर सकते हैं। सिमिलर चीजें
जीपे में है। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है हम फिर से देखेंगे। अब है डिजी लॉकर। अब किसी ने पूछा कि भाई आपने डिजी लॉकर क्यों कहा था डाउनलोड करने के लिए, तो इसलिए कहा था कि ये एक अच्छा ऐप है जिसमें आप आपके डॉक्यूमेंट्स सेव करके रख सकते हो। एक ही मिनट है मुझे, हाँ यहीं पे है। तो डिजी लॉकर जब हम डाउनलोड करते हैं उसमें हमें आधार, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे वो हमें वहां पे फिल करने हैं एंड हमारा डिजी लॉकर ऐप ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, तो इश्यूड डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ने हमें इश्यू किए हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें क्या इश्यू किया है, पैन। तो पैन आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका आधार पे जो नाम है वही, मतलब और मोबाइल नंबर है वही आपका पैन पे है ना, वो फिर से आपको क्वेश्चंस पूछते रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पैन वेरिफिकेशन, तो देखिए मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और मुझे यहाँ पे पैन नंबर लिखना है एंड नेम एज पर पैन करना है एंड गेट डॉक्यूमेंट करना है, वो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर से दिखा देती हूँ कि जो भी इश्यूड डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट से इश्यूड डॉक्यूमेंट है, जैसे इनकम टैक्स का है मैंने पैन वेरिफिकेशन के लिए डाला, तो मेरा आधार का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है, जेंडर, देन मुझे पैन नंबर लिखना है वहां पे एंड देन मेरे पैन के ऊपर मेरा नाम कैसे आ रहा है वो मुझे डालना है। ओके, वो डालने के बाद मुझे करना है गेट डॉक्यूमेंट, तो गेट डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो आपका पैन यहाँ पे वेरीफाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जो भाग्यश्री जी, एक बेनिफिट मैं बताना चाहती हूँ। एक बार मेरे साथ हुआ था, एयरपोर्ट गई और मैं, मेरा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी नहीं था मेरे साथ, तो इमीडिएटली मैंने डिजी लॉकर से डाउनलोड किया, उनको दिखा दिया और वो काम हो गया। मतलब यू डोंट हैव टू कैरी योर फिजिकल आधार कार्ड फॉर एनीवेयर, ये आपके मोबाइल में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट अब अगर आप जैसे बाय रोड ट्रेवल कर रहे हो, आपको आरसी बुक साथ में रखनी रहती है, लाइसेंस साथ में रखना रहता है, गाड़ी के पेपर्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप क्या करो वो उसको यहाँ पे अपलोड कर लो। अभी ये जो थे, ये थे इश्यूड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो आपको क्या है, व्हीकल टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और व्हीकल इंश्योरेंस, ये आप यहाँ से इश्यूड, आपके अगर आपके ही नाम पे है ये चीजें तो आप यहाँ से वो डिटेल्स डाल के देखिए, जैसे आधार का नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, ड्राइविंग लाइसेंस ये नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा गेट डॉक्यूमेंट करके। सिमिलरली, और ये जो है ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है अभी कि ये जो है, देखिए डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर आईटी एक्ट 2000। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ये बीच में इन्होंने एकदम रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि फ्लड सिचुएशन आती है, कहीं पे कोई भी इमरजेंसी आ जाती है और हम निकल जाते हैं बदहवाजी में और हम भूल जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जब हम डिजिटल इंडिया कर रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटलाइज्ड वे से अगर चीजें अपलोडेड है, सॉरी इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में, सिर्फ इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में जो गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं तो वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये इश्यूड डॉक्यूमेंट्स। ओके, अभी इश्यूड में जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे रखा है कि इंस्टीट्यूट ने मुझे ये दिया है, हमारा मेंबरशिप कार्ड है, तो ये मैं यहाँ पे लेके रख सकती हूँ ताकि अगर मुझे कभी इंस्टीट्यूट में या मुझे कहीं पे दिखाना पड़े कि ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरा आईडी कार्ड है इंस्टीट्यूट का, तो मैं यहाँ से उसको दिखा सकती हूँ। सिमिलर वे से आपको इश्यूड एंड अगर आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो आप उसको रख सकते हो। आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, मेरा मेंबरशिप कार्ड, हाँ एक मिनट, थोड़ा टाइम दे रहा है वो। एनीवेज, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखने हैं, जितने भी गवर्नमेंट ने आपको इश्यूड किए हैं डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड ही करना है आपको, सिर्फ डिटेल्स डालते जाना है। जैसे LIC का है तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दीजिए, ओरिजिनल आपका घर पे है, आपको सिर्फ कुछ काम है, क्योंकि क्या होता है काफी बार भूलने की आदत है, मैं ऑटो से कैब से कहीं से आ रही हूँ, मैं भूल गई ओरिजिनल पॉलिसी ऑटो में ही या टैक्सी में,
अब क्या करूं, पर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे है तो टेंशन नहीं है, मैं वो दिखा के डुप्लीकेट इश्यू करवा सकती हूँ, क्योंकि उनको जो डिटेल्स लगेंगे वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए डीजी लॉकर हमें काम में आता है, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसलिए आप उसको बेझिझक होकर इस पे आप आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड डाउनलोड करके रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये ऐप में। आज अगर आपको मालूम होगा, अगर किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा, तो आज विश्व निद्रा दिवस है। कहते हैं नींद एक ऐसी श्रृंखला है जो स्वास्थ्य और शरीर को एक साथ जोड़ती है, और मेरा मानना है कि किसी का माइक ऑन है प्लीज, और मेरा मानना है, हाँ मेरा मानना है, तकनीकी नींद से अगर हम जग जाते हैं, तो ऐसी अटूट श्रृंखला बन सकती है या बनती है जो समय, क्षमता, संपर्क, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स, आसानी, किफायती, विस्तार, जानकारी आदि को एक साथ जोड़े रखती है। तो चलिए यही श्रृंखला को हम देखेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी में। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, जहां लगेगा वहीं पे स्क्रीन शेयरिंग में लूंगी। तो साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी मतलब हमारी फोन की सुरक्षा, इंटरनेट की सुरक्षा, इंटरनेट पे जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें कौन से एहतियात बरतनी है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ टिप्स है, कुछ एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, कोशिश करूंगी कि आपको मेजॉरिटी टाइप पॉइंट्स में दिखा सकूं, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, साइबर अटैक क्या होते हैं, मतलब जैसे फिजिकल अटैक्स होते हैं वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 जो भी है, तो वैसे ही साइबर अटैक्स होते हैं। इनमें होते हैं रैंसमवेयर, मतलब आपके कंप्यूटर का डेटा किडनैप किया जाता है। अगर आपने सुना होगा बीच में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, कोई सीए का डेटा हैक कर लिया किसी ने, एंड देन पर फाइल उसने 20,000 का रैंसम मांगा था। अब हमारे पास तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्लाइंट के फाइल्स है और बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है, वो तो हम एनी कॉस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे जगह पे हमें पे करना ही होगा, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, साइबर सेल में उसका कंप्लेंट करेंगे। लेकिन रैंसम वेयर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो जल्दी से ट्रैक नहीं होते हैं। मालवेयर वायरस है, ट्रोजन, वॉर्म्स, जैसे हमारे घर में वॉर्म्स आते हैं, कीड़े आते हैं बारिश के सीजन में, वैसे ही पेन ड्राइव के थ्रू ट्रोजन्स, वॉर्म्स जाते हैं एक दूसरे के सिस्टम में। सोशल इंजीनियरिंग, यह ऐसा तरीका है जो लोगों के वार्तालाप पे डिपेंड करता है, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे हम मिले हैं, जैसे अब हम मिले हैं, अगर आपने गौर किया होगा अभी 15-20 दिन पहले की ही बात है, जो ट्विटर पे बहुत वायरल हुई पोस्ट, XYZ आपका माइक ऑन है, और उसने ऐसी क्या क्या बातें कही, 5 मिनट में 210 लोग थे, और जो बातें उसको किसी और को कहनी थी जो एकदम सीक्रेट थी, वो 210 लोगों ने सुना, और 210 लोगों में से किसी ने ट्विटर पे वायरल किया, और वो पूरी दुनिया को वो बातें मालूम है आज के डेट में। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है कि हम बात करते वक्त हम अगर एहतियात नहीं बरत रहे, कि मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ लेकिन मैंने मेरा माइक ही ऑफ नहीं किया, जूम का माइक ऑन ही है, तो जो बात मेरी सीक्रेट है वो जब जाहिर हो गई सभी को समझ गया, तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। फिशिंग मैं बाद में लूंगी। अभी बेनिफिट्स क्या है कि हम तो कंप्यूटर ही यूज नहीं कर रहे भाई, लेकिन ये छोटा कंप्यूटर तो सभी के हाथ में है ना, तो वो तो आप यूज कर रहे हो, तो उसमें भी साइबर अटैक्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी कौन से हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, तो मैं पेन ड्राइव यूज कर रही हूँ, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे यहाँ का जो प्रिंटर है वो खराब हो गया, अब मैं किसी और के ऑफिस में गई प्रिंट आउट निकालने के लिए, पेन ड्राइव मेरे साथ है, अब मैं उसके यहाँ पे गई, उसके यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव लगा दिया, लेकिन मैंने पेन ड्राइव को स्कैन ही नहीं किया फिर से लाने के बाद, तो उसके सिस्टम में जो वॉर्म्स है, जो ट्रोजन है, जो भी मालवेयर है, वो मेरे सिस्टम में आ जाएंगे पेन ड्राइव के थ्रू, क्योंकि कीड़े हमें पूछ के नहीं आते हैं, राइट, वो चढ़ जाते हैं, उनको जहां जगह मिली चले जाते हैं, सेम वैसे कंप्यूटर वाले कीड़े भी सिमिलर है, ठीक है, वो दिखते नहीं है, वो चल जाते हैं अंदर। अभी सिमिलरली मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया, लेकिन
पेन ड्राइव पे मैं लेके आ गई, लेकिन उनके सिस्टम पे मैंने गलती से वो फाइल डाउनलोड कर दी क्योंकि वो पेन ड्राइव में ओपन ही नहीं हो रही थी। ऐसे प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली प्रिंट ही नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो फाइल्स पहले उनके सिस्टम में डाउनलोड की एंड देन फिर मैंने प्रिंट आउट निकाला, क्योंकि मैं पेन ड्राइव नहीं भूल जाऊं इसलिए मैंने पेन ड्राइव इमीडिएटली निकाल दिया। लेकिन मैं फाइल डिलीट करना ही भूल गई उनके सिस्टम से, तो क्या होगा, वो पर्सन वो फाइल्स देखेगा एंड उसमें से जो इंफॉर्मेशन उसे अगर ऐसे लग रही है कि मैं इससे इसको हरास कर सकता हूँ, हरास कर सकती हूँ, तो वो भी इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है। तो दो चीजें कि आपको पेन ड्राइव अगर आप कहीं पे लेके जा रहे हो तो घर पे आने के बाद स्कैन करना है, दूसरी चीज अगर कहीं पे आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको वो फाइल्स डिलीट करनी है। अब अगर आप किसी के सिस्टम से, वैसे तो किसी ने करना नहीं चाहिए, हाईली नॉट रिकमेंडेड कि किसी के सिस्टम से अगर आप आपका नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, आपका सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो प्लीज 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 लॉग आउट करके निकलिए, ठीक है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग, स्कीमिंग स्कीमर, दूध के ऊपर दही, सॉरी दूध के ऊपर मलाई जम गई, अब मलाई दिख गई लेकिन दूध ही नहीं दिख रहा है। सेम वे से जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्कीमर मशीन जो होती है, हम कार्ड तो डाल दिए लेकिन वो कार्ड हमारा रीड कर रहा है, बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब ये हमें कैसे ध्यान में आएगा, क्योंकि नॉर्मल मशीन और स्कीमर मशीन सेम है। तो अगर पर्सन आपको बोल रहा है, पेट्रोल पंप पे आपने स्वाइप किया, रेस्टोरेंट पे हमने स्वाइप किया, शॉपिंग में आपने स्वाइप किया, और वो बंदा अगर आपको बोल रहा है एक मिनट में आके मैडम ओटीपी फिर से दो, बी अलर्ट, एंटीना लगा लो, ये आपका जो कार्ड है वो स्कीम हुआ है, स्कीमिंग मशीन से लेके निकला है, ठीक है। नॉन अप्रूव्ड एजेंसी से अगर आपने लोन डॉक्यूमेंट दिया है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नॉन अप्रूव्ड है, मैं पढ़ते थोड़ी बैठती हूँ इतना सब, मुझे थोड़ी मालूम है वो एजेंसी अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है। तो आरबीआई का जो रेट है, आरबीआई लोन अगर आपको दे रही है 7% पे, और नॉन अप्रूव्ड एजेंसी, हम नॉन अप्रूव्ड फिलहाल साइड में रखते हैं, आपको एजेंसी जो जिसके पास आप एप्लीकेशन कर रहे दे रहे हो, वो आपको अगर प्रोवाइड कर रही है 6% से 5.5% से, तो भाई आरबीआई से बढ़कर हो गया क्या वो, जो आपको आरबीआई के रेट से भी कम दे रहा है। आरबीआई के रेट से ज्यादा दे रहा है समझ रहा है, क्योंकि उनका मार्जिन है वहां पे, लेकिन आरबीआई से कम रेट में दे रहा है, तो ये नॉन अप्रूव्ड एजेंसी है। बी अलर्ट, इनसे डॉक्यूमेंट अगर आपने शेयर किए हैं तो प्लीज उनसे आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका लोन कभी भी पास नहीं करने वाले, ये आपको क्या बोलेंगे, मैडम फाइल रिजेक्ट हो गई है आपकी। तो फाइल जैसे ही रिजेक्ट हो रही है उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए, ठीक है। अभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके कार्ड के 16 डिजिट, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के, ओपन करके आपके हाथ में है तो देख लीजिए, 16 डिजिट रहते हैं, 4-4 डिजिट के गैप में स्पेस रहती है। देन एक्सपायरी डेट, डेट मंथ ऑब्लिक ईयर, वो भी आपको शेयर नहीं करना है। देन बैक साइड में फ्लिप कीजिए कार्ड को, बैक साइड में रहता है सीवीवी कोड 3 डिजिट का, वो भी शेयर नहीं करना है। ग्रिड तो सवाल ही नहीं आता है शेयर करने के लिए। अब आप बोलोगे मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे क्या करती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहते हैं वो नंबर्स, और कभी भी मैं ऑन द वे शॉपिंग कर लूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं फोन बुक में मैं गैलरी में सेव कर लेती हूँ। अरे भाई, जो ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो हम हर एक परमिशन पढ़ते हैं उसकी, सिंसियरली कितने जन पढ़ते हैं परमिशन, वहां पे लिखा हुआ रहता है हम आपका फोन बुक एक्सेस कर लेंगे, हम आपका गैलरी एक्सेस कर लेंगे, हम आपका वाईफाई का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेंगे, लेकिन हम ये पढ़ते ही नहीं है, कन्वीनियंटली हम नहीं पढ़ते हैं, हम सब चीज को हाँ बोल देते हैं। तो प्लीज ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फोटो भी निकाल के नहीं रखना है, क्योंकि गैलरी भी आपकी चीज, जो ऐप आपने डाउनलोड किया है, वो जो ऐप जिसने बनाया है अगर वो जेन्युइन पर्सन नहीं है तो वो कंपनी आपका डेटा हैक, मतलब डाउनलोड करके और भी कहीं पे कैसे भी यूज कर सकती है। एटीएम पे आप जा रहे हो, आपने कार्ड स्वाइप किया, आपने विड्रॉ किया, अब उसके बाद आपको आता है कि भाई आपको ये रिसिप्ट चाहिए। पर्यावरण, भाई एनवायरनमेंट की तो मैं बहुत ज्यादा ये हूं, तो मुझे वो ट्रीज वगैरह नहीं, वो कटिंग वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसको बोल दूंगी नो, जी नहीं, आपके एक छोटे से रिसिप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, रिसिप्ट लीजिए, कंफर्म कीजिए और फाड़ के फेंकिए, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको लगा कि नहीं हुआ है वहां पे, अगर इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ गया एंड बाद में अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो आपके पास वो रिसिप्ट रहती है जो आप बतौर
इसके दिखा सकते हो उनको कि भाई ये कार्ड है, ये रिसिप्ट थी जो मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये मुझे दिखा रही है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फोटो ले लीजिए और वो जो रिसिप्ट है उसको फाड़ के फेंक दीजिए। अब तीन टाइप के फ्रॉड्स होते हैं जो पॉइंट पे मैं पहले आ रही थी। तीन टाइप्स है फिशिंग, PHI FI, मच्छी नहीं जानी अपने को, मछली पे नहीं जाना है हमें, PHI SHING, फिशिंग। फिशिंग फ्रॉड के इंटेंशन से मेल आना। कैसे टाइप के मेल आते हैं कि आपको जॉब लग गया है, आप 2000 रुपीज भरिए और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अरे जब मैंने ट्राई ही नहीं किया है तो आएगा कैसे? जैसे हे सीरी का उन्होंने बताया रजनी जी ने, सेम वे से गूगल असिस्टेंट अगर किसी के पास है या हे गूगल अगर किसी के पास यूज करता है तो वो भी वही चीज करता है कि हम बात कर रहे हैं और वही चीजें हमको दिखने लग जाती है हमारे मेल बॉक्स में। सिमिलरली कि हम अगर सिर्फ हमने नौकरी पे हमारा सीवी डाला है तो हमको ये ऐसे टाइप के मेल्स आ जाते हैं, आ सकते हैं। ओके, तो हमें ध्यान क्या लेना है कि जहां से मेल आया है वो मेल आईडी चेक करें। फॉर एग्जांपल, मुझे लोम्बार्ड से आया, ICICI लोम्बार्ड से आया है, तो ICICI@gmail.com नहीं रहेगा, XYZ@ICICI रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ये है तो उसका खुद का वेबसाइट है, तो खुद के यहाँ से HR वाला भेजेगा ना मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए। तो ये चीज आपको पहले चेक करना है, जहां से भी मेल आया है पहले आप चेक कीजिए कि भाई वो जो कंपनी के नाम से आया है वो कंपनी का खुद का वेबसाइट है। अगर नहीं है तो ठीक है, वो वहां से आ सकता है। देन उस पे जो एड्रेस लिखा है उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए। बहुत बार ऐसे रहते हैं कि माइनर मिस्टेक्स रहती है, मतलब जैसे जापान, तो जापान का स्पेलिंग JAPEN रहेगा, JAPAN नहीं रहेगा। बहुत माइनर मिस्टेक्स रखते हैं वो, ताकि अगर हम कहीं पे चले भी जाए तो वो बोलेंगे यही तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपने ही दिमाग लगाना चाहिए था। पिन जिप कोड रहेगा, तो जिप कोड सपोज 123456 है तो उसमें रहेगा 123458। तो ऐसी चीजें रहती है, ऐसी चीजों के वो छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स करके रखते हैं, वो एरर्स करके रखते हैं, ताकि वो भी नहीं पकड़े जाए और आप भी गफलत में उनको पेमेंट कर देवे। विशिंग VISHING, WISHING नहीं, VISHING, विशिंग फ्रॉड के इंटेंशन से आपको कॉल आता है। आपको कॉल आता है कि मैं SBI से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, तो आप प्लीज मुझे आपके 16 डिजिट बताइए, आपका ये बताइए। क्योंकि आप बोलोगे कि आप तो बैंक से बात कर रहे हो तो आपके पास तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, हम अलग से क्यों बताएं आपको? वो बोलेंगे मैडम हमारे पास ना XX करके है। तो भाई XXX करके है तो कोई बात नहीं, मैं बैंक में जाके मेरा कार्ड अनब्लॉक कर लूंगी, ब्लॉक होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा आंसर आपका क्या हो सकता है? मेरे पास ये कोई कार्ड ही नहीं है, मैं SBI में, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो कार्ड आएगा कहाँ से? वो क्या उखाड़ लेगा आपका? वो कुछ नहीं, वो फोन रख देगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब हम मराठी में एक कहावत है, भटाला दिली ओसरीन भट हाथ पाए पसरी, मतलब हमने किसी को एक उंगली दी और वो हाथ पकड़ने चला गया, तो हमने उसको 16 डिजिट में से कोई तो 4 डिजिट बताए, फिर वो हमको क्या बोलेगा? मैडम एक्सपायरी डेट बता दीजिए। हमने उसको एक्सपायरी डेट बता दी, फिर वो बोलेगा मैडम कुछ तो मिस्टेक हो रही है, आप एक काम कीजिए, मैं ना आपको एक लिंक भेजता हूँ आपके मोबाइल पे, आप वो लिंक डाउनलोड कर लीजिए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है बी अलर्ट, हो सकता है वो एनी डेस्क टाइप का ऐप होगा जो आपका पूरा हैंडसेट देख सकता है। जैसे अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मैं सामने हूँ, मैं जो चाह रही हूँ वही आप देख पा रहे हो, लेकिन वहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो कुछ भी देख के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो प्लीज अगर आपको बैंक से, LIC से अगर ऐसे कोई फोन्स आते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो प्लीज उनको बोलिए कि आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, या अभी मैं मीटिंग में हूं, मैं अभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। स्मिशिंग, SMISHING, स्मिशिंग फ्रॉड के इंटेंशन से आपको SMS आता है। जैसे लॉटरी फ्रॉड बहुत टिपिकल है कि आपको मैसेज आ गया कि XYZ पर्सन ने आपके लिए 250,000 pounds, $250,000 की आपको लॉटरी लगी है, क्लेम करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। प्लीज 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 ऐसा कोई भी क्लिक मत कीजिए। बीच में बिटली से मैसेजेस आ रहे थे कि XYZ आपकी फ्रेंड प्रिया, इसने आपको 2500 रुपये ट्रांसफर किए है, तो वहां पे क्लिक कीजिए ना आपका 2500 रुपया लीजिए। अरे भाई प्रिया ने जब मुझे 2500 रुपए दिए हैं तो
तो एक फोन ही कर लेती थी, एक व्हाट्सएप पे फ्री में मैसेज ही डाल देती थी कि मैंने तुझे 2500 रुपए भेजे हैं। मैं वैसे भी सरप्राइज हो जाती थी मैसेज आने से पहले, अरे वाह प्रिया ने मुझे 2500 रुपए भेजे हैं। वो मैसेज में जाके मैं क्लिक करके देखूं कि अच्छा कौन से प्रिया ने मुझे 2500 दिए, मेरे अकाउंट से 25000 निकल जाएंगे वो चक्कर में। ठीक है, ये बीच में हो रहे थे ऐसे टाइप के फ्रॉड्स, अभी रेयरली होते हैं, वो एरिया चेंज करते रहते हैं उनका। डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ये मैंने आपको बता दिया, जॉब रिलेटेड फ्रॉड भी मैंने दिखा दिया। लेकिन अब अगर गलती से जॉब रिलेटेड फ्रॉड में दो टाइप के फ्रॉड्स है, एक आपको इंटरव्यू कॉल आया और एक आपको ऐसे ही आ गया कि आप 2000 रुपीज भरो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, दूसरा दूसरे पे जाते हैं कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया, आपने कुछ भी चीजें वेरीफाई नहीं की, अच्छा खासा सिर्फ आपने क्या देखा कौन से होटल में इन्होंने इंटरव्यू रखा है और मुझे आने जाने के वो पैसे देने वाला है। ठीक है मैं चली गई, मतलब वो क्या बोलेंगे उसमें, आप आ जाओ आपका इंटरव्यू के बाद हम आपको आपका रिफंड भी कर देंगे। आप चले गए वो मस्त आपको क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू है, चलिए हम कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं, अच्छे से आज एंजॉय कर लेते हैं, आप आराम करो, कल हम मॉर्निंग में आपको 10 o'clock पिक करने आ जाएंगे। आप चले गए, आपको खाने पीने में ऐसी कोई चीज चली जाएगी, आप पूरी तरह से लूट के बाद में आपके पास आने के लिए भी पैसे शायद नहीं रहेंगे। तो प्लीज जॉब रिलेटेड फ्रॉड में अलर्ट रहे, अगर आपको ऐसी कोई मेल आ रही है, आपके बच्चों को ऐसी कोई मेल आ रही है, तो प्लीज 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 उसे चेक कीजिए। ये पुराने फ्रॉड्स है बट कभी कभी एक खाता डाल देता है यार, चलना गलती से 10000 रुपए मिल जाते तो कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ वांदा है, मिल जाते तो अच्छा ही है मुझे तो। FB, Instagram, सोशल मार्केटिंग ग्रुप्स, अनवांटेड फ्रेंड्स, अभी अगर किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली है FB पे, तो प्लीज उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक कीजिए कि वो किसकी फ्रेंड है, फ्रेंड की फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड है, तो भाई सॉरी डोर बंद, मुझे फ्रेंड नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके हाथ में है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया, टाटा बाय बाय कर दीजिए कि भाई मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, न तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में इंटरेस्ट है, न तुम्हारे ग्रुप में इंटरेस्ट है, हो सकता है आपका जो नंबर है वो कहीं और यूज हो सकता है। सिंपथी फ्रॉड, ये फेसबुक वाले फ्रॉड से आप सब कि भाई सिंपथी में आप किसी से मतलब क्लोज हो गए, चैट किया, एंड देन मेरे पास FB मैसेंजर नहीं है डाउनलोडेड। ठीक है, तो सिंपथी फ्रॉड में भी सिमिलर होता है कि मैसेंजर पे आपके एक्सचेंज हो गए थॉट्स, एंड देन फिर आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, आपने उससे शेयर किया, सिंपथी आ गई उसको, अरे यार तेरे साथ ऐसा वैसा, बाद में यही पूरी इंफॉर्मेशन वो आपके अगेंस्ट में यूज कर सकता है। सिंपथी फ्रॉड, रोमांस फ्रॉड आपको नाम से ध्यान में आ जाएगा, दोनों चीजें सिमिलर है। बुलिंग, इसमें SMS या फोरम या गेम्स के थ्रू, मतलब जहां पे बहुत से लोग हैं वहां पे आपको बुली करने का, मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। मोबाइल ऐप फ्रॉड, ये थोड़ा ध्यान देके देखिए, जब हम ऐप स्टोर में जाते हैं और हमें कोई ऐप डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो जो ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं वो क्या रेटिंग का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने टेलीग्राम ऐप में पूछा भी था कि कैम स्कैनर का कोई अच्छा ऑप्शन बताइए, कैम स्कैनर बहुत अच्छा है, चाइनीज ऐप रहा तो भी आप इसको बाकी के परमिशंस मत दीजिए, बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप एडोब स्कैन ये डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा ऐप है ये भी कैम स्कैनर। अब देखिए 3.0, 3.9, 3.8 कहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, 3.0, 3.9, 3.8, 4, ये तो 4 अगर है तो ये ऐप अच्छा है, 4.5 है बिल्कुल बहुत अच्छा ऐप है ये। ठीक है, तो 4 प्लस की जो रेटिंग है वो वाले ऐप आपको डाउनलोड करने हैं। अब आप सोचोगे कि 4 पॉइंट कम के रेटिंग के क्यों नहीं, तो ये प्रैंक ऐप होते हैं, ये स्पेशली यही चीज के लिए डेवलप किए जाते हैं कि आपका डेटा वो हैक कर सके। आपने अगर गौर किया होगा तो 2 MB का अगर आपका ऐप है तो 2 MB का ऐप डाउनलोड होने में कभी कभी 10 मिनट लग जाते हैं, और 50 MB का ऐप है वो डाउनलोड होने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। क्यों? रेटिंग का डिफरेंस है। वो जो 2 MB का जो ऐप है वो हो सकता है फेक ऐप होगा, वो इतना समय अगर लगा रहा है तो वो इतने समय में आपके फोन की पूरी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ये चीज पे, ये कैसा हो सकता है ये देखना होगा, तो क्राइम पेट्रोल में एक सीरीज होके गई थी
साइबर सिक्योरिटी की, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो किस तरह से पूरा डेटा ग्रैब करते हैं इसका। देन सिमिलर वे से आपको मेल आया है, मेल आया है और उसके साथ कोई अटैचमेंट है, आप क्लिक कर रहे हो और वो डाउनलोड हो रहा है। आप क्या सोच रहे हो, डाउनलोड होगा तब तक के एक काम करती हूँ मैं, ना चाय लेके आ जाती हूँ। आप यहाँ से उड़ गए, सिस्टम के सामने से उड़ गए, आप वहां पे गए, चाय बनाए, चाय लेके आए, फिर भी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे यार, वो आपका सिस्टम आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा ले रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, उर्मिला दीदी और अंजलि जी प्लीज चेक कीजिए, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगा तो टॉपिक इधर उधर हो जाएगा। तो ध्यान लीजिए कि 4 से कम रेटिंग का ऐप है और कोई ऐसी अटैचमेंट है जो दिख रही है 2 MB की, लेकिन डाउनलोड होने में 2 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है या 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, प्लीज 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 आपकी सिस्टम शट डाउन कीजिए, फिर से ऑन कीजिए और एक बार क्लीनर रन कीजिए। 1 मिनट, अभी ये पॉइंट आया है तो ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर देती हूँ, तो टॉपिक पे ही रहूंगी मैं। गूगल फाइल्स ये एक ऐप है, ठीक है। गूगल फाइल्स देखिए, सभी के हैंडसेट में बाय डिफॉल्ट क्लीनर रहेगा ही 110%। स्टिल अगर किसी के फोन में नहीं रहेगा, ओके, किसी के फोन में नहीं रहेगा, गूगल फाइल्स ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए। ये आपको 3 चीजें प्रोवाइड करता है, क्लीनर, ब्राउजर एंड शेयर, ये 3-in-1 ऐप है। तो क्लीन पे डालिए, ये आपको लेयर बाय लेयर हर एक चीज दिखाता है। जैसे अगर अभी ये प्रोसेस हो रहा है तो देखिए, ऊपर 64 GB का मेरा स्पेसिंग साइज है मोबाइल का एंड 50 GB ऑलरेडी यूज्ड है, मेरे फोन ने ऑलरेडी यूज किया है, बहुत हाई यूसेज है मेरे फोन का। एनीवेज, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर 50.66 है ना, वहां पे अगर मेरा 59.66 भी आता है ना, तब भी मेरा फोन प्रॉपर बिहेव करेगा, लेकिन उससे ऊपर होने लग गया ना तो ये मेरा फोन कुछ भी बिहेव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक चेकर है कि आपको 8 से 9 GB स्पेस खाली रखनी ही है फोन की। 54-55 GB तक के यूज कर रहे कोई इश्यू नहीं है, ओके। अभी देखिए मेमेस, और यहाँ पे दिया है आपको सिलेक्ट एंड फ्री अप 10 MB, ओल्ड स्क्रीनशॉट्स, ये आपको यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट एंड फ्री इतना स्पेस, व्हाट्सअप मीडिया आपका 1 GB जितना आप फ्री कर सकते हो, न्यू मीडिया, डाउनलोड फाइल्स, लार्ज फाइल्स। अब आप क्या करो, ये स्लॉट में जाके आप देख भी सकते हो कौन से फाइल्स है, एंड देन आप उसको क्लीन करो। ये हो गया एक ऐप, या फिर आप सेटिंग्स में जाके क्लीनर एक बार देख लीजिए। सेटिंग्स में जाके वहां पे लिख दीजिए क्लीनर, थोड़ा सा स्लो, मैं एक्चुअली कहीं कहीं पे फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा वॉच के पास भी ध्यान है और मुझे आपके क्वेश्चंस आज लेने हैं। 2 दिन से मैं थोड़े से सेशन लंबे करती थी इसलिए नहीं हो रहे। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और सिर्फ लिखना है क्लीनर, CLEANER, ठीक है। अगर क्लीनर है तो उसको हर 4th-5th दिन क्लीनर ऐप रन कीजिए, ठीक है। क्योंकि चलो मैं रोज का नहीं बोलती हूँ, अगर आपका रोज का हाई यूसेज अगर है तो रोज सुबह जैसे हम घर का कूड़ा कचरा निकालते हैं, बेडशीट झटकते हैं, सेम वैसे मोबाइल को भी झटकिए, मतलब लेके गिराना नहीं है आपको, सिर्फ क्लीनर ऐप रन करना है, ठीक है ना। नहीं तो कोई गिरा देगा फिर बोलेगा भाग्यश्री ने बताया था, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा रही हूँ आपको। आपको सिर्फ क्लीनर ऐप रन करना है या गूगल फाइल्स, ठीक है। ब्लू कलर का फोल्डर है तो वो आपको फाइल्स डाल दीजिए, ब्लू कलर का फोल्डर है। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर दूंगी आपसे बाद में कि ये फोल्डर का आइकॉन है और वही आप डाउनलोड कीजिए। 4+ का रेटिंग है, बहुत अच्छा ऐप है, तो इससे आप ये क्लीन करके ले लीजिए। तो क्या होगा, जब भी ऐसे टाइप के कोई ऐप्स अगर आप डाउनलोड कर रहे हो ना और वो ऐप आपके बीच में ही रुक रहे हैं तो वो आपके क्लीन हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, FB और इंटरनेट वेबसाइट, इस पे हम काफी बार चीजें देखते रहते हैं। जैसे फर्स्ट डे मेरा हुआ था कि इको साउंड आ रहा है, या कल भी हुआ जैसे कि बहुत सारी चीजें देख ली, तो वो टाइम पे भी आपको क्लीनर चलाना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बाहर से चल के आए तो हमारे चप्पल के नीचे डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं, वो हमारे साथ चलते आते हैं, राइट। धूल के पार्टिकल्स लगते ही है, इसलिए तो हम चप्पल पहनते हैं ना, नहीं तो हम नंगे पैर भी कहीं पे भी जा सकते थे। तो चप्पल शूज जो है वो उसी के लिए पहने जाते हैं, घर के बाहर हम रखते हैं जहां तक हो। नहीं तो हम क्या करते हैं कि पायदान रखा हुआ है और डोर मैट है
वो वेलकम डोरमैट, वहां पे हम पहुंच लेते हैं, देन हम अंदर आके शू रैक में शूज रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे घर में आ जाते हैं, हम उसको वो फ्लोर मैट पे पहुंच के फिर हम रख देते हैं, तो वो डोरमैट तक ही सीमित रहे। सिमिलर वे से जब हम फेसबुक, गूगल या कोई भी चीज, यूट्यूब, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट्स, बहुत अच्छा वर्ड है फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स वो हमारे फोन में आ जाते हैं, जो हमको पूछते नहीं है, नॉक नहीं करते, नॉक नॉक मैं आऊ क्या आपके फोन में, नहीं पूछते हैं, वो आ जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए आपको क्लीनर यूज करना है। अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी रात को सोने से पहले आप कर लीजिए। वैसे भी सुबह उठते ही हम सबसे पहले तो मोबाइल के ही दर्शन करते हैं 90%, 10% ही है जो कराग्रे वसते लक्ष्मी करते होंगे, बाकी तो 90% यही करते हैं, ठीक है। तो रोज आइदर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले क्लीनर यूज कर लीजिए, तो आपके इसमें जितने भी ट्रैश है, कैशे मेमोरी है, जो भी जो अनवांटेड है, जो ऐप को डिस्टर्ब नहीं करेगी लेकिन आपके फोन में अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, उनको वो निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फेक या जेन्युइन न्यूज, ये भी किसी ने पूछा था कि गूगल पे कैसे सर्च किया जाए, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बीच में पीएम केयर फंड में, अगर आपने गौर किया होगा तो ध्यान दीजिए, पीएम केयर फंड में आपको यूपीआई ट्रांसफर करना था और आ रहा था PM Care@SBI, ठीक है, PM Care@SBI। अब मैं आपको दिखाऊंगी PM Care@SBI, ये फेक यूपीआई आईडी था जिसने बनाया था, उसने तो हजारों से रुपए कमा लिए उसमें। आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको लिमिटेड सर्च करना है PM Care@SBI, ठीक है, फेक और जिन्यून, बस इतना ही आपको यहाँ पे डालना है, ओके। SBI cautions against fake UPI ID, ठीक है, फेक UPI ID, आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी यहाँ पे अभी कि PM Care@SBI जो है ये गलत UPI ID था, करेक्ट UPI ID क्या था, ये था PM Cares@SBI, ये जो था ये करेक्ट डोनेशन था जो पीएम फंड में चला गया। फिर से दिखा दूं आपको, गूगल क्रोम पे या गूगल सर्च इंजिन, दोनों में से किसी पे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिमिटेड चीज है आपको हाईलाइटेड चीज उतनी ही उठानी है कि किसी का यूपीआई आईडी आया है। आजकल तो चलो वो फोन पे और जीपे पे भी अभी वो फैसिलिटी हो गई है कि ये फेक है या जेन्युइन है, वो जनरली आ जाता है। स्टिल इंडिविजुअल के तो नहीं आएंगे ना यार इतने, अभी जैसे मैंने मेरा यूपीआई आईडी दिया तो मैं इतनी तो फेमस हूं नहीं कि मेरा गूगल पे, सॉरी उस पे गूगल पे आ जाएगा। तो जो फेमस है उनको आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो ऐसे जैसे मेरे जैसे नत्थु खैरे हैं उनके आप वहां पे देख लीजिए फोन पे पे या फिर जीपे पे, लेकिन जो नून है उनके आप गूगल पे देखिए, जैसे पीएम केयर। और यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है कि पीएम केयर जो है ये फेक आईडी था, पीएम केयर्स जो है वो जेन्युइन आईडी था, ये यहाँ पे है PM Cares@SBI, ये जेन्युइन आईडी था, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी न्यूज फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जांच ले, नहीं जांचनी है आपको तो प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया इसका मतलब आपने वो मतलब आपका भी ओपिनियन है कि वो जो है वो सही है, ओके, क्योंकि आपके ऊपर भी ब्लाइंड फेथ करने वाले बहुत होंगे। अब किसी का इंटरेस्ट रहता है कि यार फ्री में जो चीज मिल रही है अच्छी है, जैसे हम शॉपिंग के लिए गए, लकी ड्रॉ के कूपन्स है, हाँ दो मुझे कूपन दो, हम क्या करते हैं, नाम डालते हैं, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा मेल आईडी, हमारा एड्रेस, ठीक है। अब मेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, आपको दो फोन आएंगे लकी ड्रॉ, तो आपको कभी भी वो कूपन को ऊपर कुछ गिफ्ट नहीं मिलने वाला है आपको, लेकिन ये जो आपका डेटा है ना ये उसने सेव कर लिया। तो ऐसे टाइप के अगर लकी ड्रॉ आपको रहते भी है तो आइदर गलत भरिए या फिर लीजिए, वो कूपन ही मत लीजिए ना, ऐसे कोई कूपन लगते ही नहीं है। नंबर दो, अगर आपने कभी गौर किया होगा कि हम जेरोक्स के लिए गए हैं, हमारा पैन का जेरोक्स करना है, आधार का जेरोक्स करना है, तो 90% टाइम्स ऐसा होता है कि जेरोक्स वाला क्या बोलता है, मैडम ये कॉपी ना ठीक नहीं आई, ये खराब आई, तो मैं क्या करता हूँ इसको नीचे रख लेता हूँ, नया देता हूँ, या फिर आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, सिर्फ क्या करेगा वो पेज उठाएगा, मतलब आपको सिर्फ वो क्या करेगा, ये साइड में सपोज ये साइड में प्रिंट आया है तो वो ये देख के आपको ये ही दिखेगा इधर का साइड,
ये देखेगा और फिर वो क्या करेगा, नीचे ट्रे में डाल देगा। आप पूछ भी नहीं रहे हो उसको, आप जेन्युइनली समझ रहे हो अच्छा चल ठीक है ना, खराब हुआ होगा। अरे पूछिए उससे, वो आपका पैन का कॉपी, आधार का कॉपी 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए में बेच देगा। आपसे तो 1 रुपया मिल ही रहा है उसको, लेकिन ये चीजें जाती है, राइट? तो ये भी अगर कि कोई अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो। भाग्यश्री जी आपकी आवाज खराब है, तो खराब है, कोई इश्यू नहीं है, वो जेरोक्स मुझे चाहिए ही चाहिए, पर ये चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी HTTPS ये सिक्योर साइट है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, हम HTTP भी रहा तो भी हम वहां पे सर्च कर लेते हैं, तो प्लीज वो चीजें आपको ध्यान देनी है। एक ही मिनट है दीदी, तो आपको ऐसी चीजें पूरी ध्यान दे के सब कुछ। हाँ, HTTPS जो है वो सिक्योर के लिए है, अदरवाइज आप कौन से साइट पे सर्च कर रहे हैं वहां पे अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई उसका वाली नहीं है। देन एक दो तीन ही पॉइंट्स रहे हैं, एक हो गया लकी कूपन्स, दूसरा हुआ कि आप कहीं पे बैठे हैं स्टेशन पे और आपको पब्लिक वाईफाई मिल रहा है, तो प्लीज मेरी राय है कि ऐसे जगह पे आप मूवी देख लीजिए, अमेजोन मतलब शॉपिंग मत कीजिए, जहां पे आपके बैंकिंग के डिटेल्स सेव किए हैं ऐसी कोई भी चीज पब्लिक वाईफाई पे मत कीजिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में और दो बंदे बैठे होंगे जो सिर्फ हैक करने के लिए बैठे हैं कि भाई किसी का मैं डेटा गैदर तो नहीं कर लूं, करने को मिलता है तो मैं ले तो नहीं लूं। अभी ब्लूटूथ सभी का ऑन है, अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है तो। जो ट्रेस पासर्स रहते हैं, जो हमारे पास से गुजर जाते हैं, ब्लूटूथ ऑन है, उनका ब्लूटूथ ऑन है, आपके मोबाइल से डेटा उनके मोबाइल में जाने को कुछ भी समय नहीं लगेगा, आपको बीप आएगा, लेकिन आप क्या सोचोगे यार कुछ तो है, जाने देना, ओके कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन शायद आपकी फाइल ट्रांसफर हो सकती है, तो आपको वो चीज ध्यान देनी है। अनट्रस्टेड अनवांटेड वेबसाइट से आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, किसी ने आपको APK फाइल दी है, APK फाइल, तो वो भी आपको डाउनलोड नहीं करनी है। किसी ने ऐसे ही आपको ऐप सजेस्ट कर दिया कि ये ऐप डाउनलोड कर ले, तो प्लीज रेटिंग चेक करके उसके बाद ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको मेल के 3 IDs बनाने हैं, एक पर्सनल, एक बिजनेस, एक सोशल मीडिया की शेयर करने के लिए। बच्चे क्या देख रहे हैं इस पे वॉच रखे, कैसे रख सकते हैं? यूट्यूब, स्पेशली यूट्यूब, ओके? जैसे मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ, स्क्रीन में शेयर करके दिखाती हूँ कि मेरा बेटा यूट्यूब पे बहुत सी चीजें देखता है, क्या देखता है वो, तो मैं वो कैसे देख सकती हूँ? सिंक्रोनाइज का मैंने बताया था आपको, ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है यहाँ पे, यहाँ पे ये ऊपर वीडियोस आ जाएंगे कि वो क्या क्या चीजें देखता है। अब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिस्ट्री में चले जाइए, हिस्ट्री में आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। मतलब आपको ध्यान क्या देना है कि आप उसके साथ जो फोन दे रहे हो वो फोन पे आपका मेल ID सिंक्रोनाइज हो जाए, ताकि वो जो देख रहा है उसके ऊपर आपका वॉच रहे, ठीक है? अभी लास्ट चीज मैं ले लेती हूँ सिर्फ कि प्ले स्टोर पे पैरेंटल कंट्रोल, वो एक चीज लेती हूँ, देन हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे जैसे ही मैं आती हूँ, थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो 3 lines है उस पर मुझे क्लिक करना है, ओके? 3 lines में मैं आ गई, सेटिंग्स में मैं आ गई, सेटिंग्स, सेटिंग्स में नीचे है यूजर कंट्रोल और उसमें है पैरेंटल कंट्रोल। अब पैरेंटल कंट्रोल में अब आप पैरेंटल कंट्रोल ऑन कीजिए, वहां पे एक पिन रहेगा, वो बच्चों को मत दिखाइए, क्योंकि अगर वो दिखा दिया तो बच्चे वो यूज करके कुछ भी एज यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो UPI पिन जैसा ही कोई पिन आपको 4 digit का सेट करना है, किसी के इसमें 6 digit का भी रह सकता है। देन आपको एप्स के ऊपर, गेम्स के ऊपर और फिल्म्स के ऊपर, फिल्म्स का आपको सर्टिफिकेट डिफाइन करना है, ए सर्टिफिकेट के मूवीज उसने देखे हुए चलेंगे, A/U सर्टिफिकेट चलेंगे या U सर्टिफिकेट के चलेंगे। देन एप्स एंड गेम्स, क्या एज है उसकी और वो हिसाब से उतने ही एज के गेम्स वो देख सकता है, वो या वो ही रेटिंग के ऐप वो देख सकता है, क्योंकि बच्चे हमसे बहुत ज्यादा होशियार है, तो इसलिए पेरेंटल कंट्रोल ऑन रखा हुआ कभी भी अच्छा है। अब इसमें अभी एक चीज और एक मुझे ध्यान में आई कि अगर आपको, हाँ, अगर आपको कोई ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया
एंड बाद में आपने अनइंस्टॉल कर लिया उसको, ठीक है। कोई ऐप आपने इंस्टॉल किया एंड देन बाद में आपने उसको अनइंस्टॉल कर लिया, एंड फिर बहुत दिनों के बाद मुझे याद आया कि यार वो ऐप बहुत अच्छा था, तो वो ऐप का नाम क्या है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आइकॉन याद है लेकिन आइकॉन में यहाँ पे सर्च में डालू कैसे, तो यहाँ पे है माय एप्स एंड गेम्स, इसको आप क्लिक करोगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे आपने जो आपने अभी तक के एप्स डाउनलोड किए थे वो हर ऐप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड देन आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको ऐप्स की। मैं चलते फिरते बहुत से ऐप्स डाउनलोड करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ वो ऐप में क्या है, अच्छा कुछ रहा तो मैं रखती हूँ, नहीं अच्छा लगा मैं उसको डिलीट मार देती हूँ, अनइंस्टॉल कर देती हूँ। ये देखिए एडोब स्कैन, ये ऐप बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कैम स्कैनर अच्छा लगता है इसलिए मैंने एडोब स्कैन को अनइंस्टॉल कर लिया, बाकी ये ऐप बहुत अच्छा है, काफी क्लैरिटी भी है वो ऐप में। आई होप मैंने काफी सारी चीजें क्लियर की है। एक चीज और लूंगी, अगर आपको कहीं पे भी ऐसे लगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है तो साइबर फ्रॉड साइबर सेल में जाते हैं, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में नहीं रिकॉर्ड होते हैं। किसी ने क्वेरी डाली थी, क्वेश्चन डाला था कि कोई गलत वेबसाइट से उनके पेमेंट चले गए हैं और बैंक एंटरटेन नहीं कर रही है। बिल्कुल बैंक एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो ओटीपी डाला है वो आपने खुद ने डाला है, वो बंदे को सिलेक्ट आपने किया है, तो इसलिए बैंक एंटरटेन नहीं करेगी। आपको साइबर सेल में उसकी रिक्वेस्ट डालनी है और साइबर सेल आपकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर बिल्कुल काम करेगा ही करेगा, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।